और मैं कहना चाहूंगी कि अब ये जो गेम वो खेलती आ रही है, अब इस गेम को उसे बंद करना होगा, क्योंकि अब जिससे वो भिड़ रही है ना, उस बंदी को लॉ की समझ है और उस बंदी के साथ एक बहुत ही जबरदस्त लीगल टीम है। जब मन चाहा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिसेबल कर दिया, डिसेबल करके फर्जी आरोप लगा दिया कि फलाना ने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर दिया, फिर जब मन चाहा उसे एनेबल कर दिया, जब मन चाहा किसी के साथ शादी कर ली, जब मन चाहा उस पर बलात्कार का आरोप लगा दिया। अरे इसने तो बलात्कार किया मेरे साथ, तो आपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर बलात्कार का आरोप नहीं लगाया, जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करी, एक्शन नहीं मांगा पुलिस से? नहीं मैंने उसके साथ शादी कर ली। क्या आपने अपने बलात्कारी के साथ शादी कर ली? ओह नो, क्यों? मैंने उसके साथ जिंदगी बिताने की कसमें खा ली है। क्यों क्यों? इस सवाल का जवाब है आपके पास? क्यों? कोई अपने बलात्कारी के साथ शादी क्यों करता है भाई, और पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने की कसमें भी खा लेता है? क्यों? अरे झूठ बोलना है तो कम से कम उस झूठ में लॉजिक तो ऐड करो, ताकि आगे वाला उस झूठ को बचा सके। ऐसा झूठ, शर्मसार हरकत है ये, शर्मसार सोच है, लोगों को फंसाना, उनको उन पर फर्जी आरोप लगाकर, उनके खिलाफ फर्जी कंप्लेंट करके, हाँ बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें जेल की हवा खिलाना, उनके पैसे लूटना। कितने लोगों ने शिकायत करी है उसके खिलाफ, मुझे था ये बोल रहे हैं। अरे मैं हाल ही में वहां गई थी नेल आर्ट स्टूडियो पर, तो कोई आंटी मेरे पास आकर बोलती है, शैलेन चोपड़ा? मैंने कहा जी आंटी। थैंक यू, हाँ थैंक यू सो मच। मैंने बोला फॉर व्हाट? नहीं आपने आवाज उठाई ना। आई सेड थैंक यू, मतलब मैंने कोई उपकार नहीं किया, ये मेरा हक है, अगर मुझ पर फर्जी आरोप लगता है और मैं आवाज ना उठाऊं तो मैं क्यों जी रही हूँ? हाँ तो आंटी ने बोला कि नहीं नहीं आपके साथ हम हैं, देश है, और आपके साथ गॉड है, भगवान है। आई सेड आंटी हर सच बोलने वाले के साथ गॉड है, हर सच बोलने वाले का साथ के साथ अल्लाह मियां है। सो यही आपका लाइक लेट द डॉक्यूमेंट स्पीक ना 100%। आज हमने आदिल के साथ जाकर डेफामेशन सूट फाइल कर दिया है। ओके और कल परसों में हम नोटिस भी सर्व कर देंगे, दो दिन बाद हमारा कॉशन फाइल हो रहा है। सो वी ओपनली से कि आपका जो स्टैंड है आप आके कोर्ट के सामने रखिए, आपके एडवोकेट्स हमारे एडवोकेट्स आर्ग्यू करें, मे द राइट पर्सन विंस। हमारा ऐसा कोई नहीं है कि वी आर अ टीम, नो वी आर इंडिविजुअल्स हु आर फाइटिंग देयर ओन बैटल। यहाँ पर मुझे नहीं लगता शैलेन चोपड़ा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता आदिल को किसी की सपोर्ट है। वो इंडिविजुअली दे आर सो स्ट्रांग कि वो ओपनली आके मीडिया में हक की बात करना या सच्चाई की बात करने के लिए तैयार है। वापस से कहूँगा कि एज अ फैन, अगर मैं यू नो किसी का फैन हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यू नो सामने वाला मुझे ये कंटेंट दे या एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करे जो अपनी लाइफ में मैं एक लेसन के हिसाब से कि नहीं मैं जिसका फ़ैन हूँ वो इतनी हक की लड़ाई लड़ने वाली है या लड़ने वाला इंसान है और मैं उस चीज़ को फॉलो करूँ। सो ये चीज़ है, बाकी वी आर ओपन एंड वी आर रेडी फॉर एनी थिंग एंड एवरी थिंग कमिंग आर वे।